आयुष शर्मा और वरीना हुसैन स्टार लव यात्री रिलीज हो चुकी। आयुष शर्मा 32 साल के हैं, उन्होंने सलमान खान की बहन अर्पिता से शादी की और दोनों का एक बेटा आहिल भी है। बॉलीवुड में स्टार्स का पहली शादी के बाद करियर खत्म माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक्टर हो या एक्ट्रेस, शादी के बाद भी फिल्मों में सफल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही सेलेब्स जो शादीशुदा होने के बाद फिल्मों में आए और सफल रहे। राज कपूर, बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर भी शादी के बाद फिल्मों में आए थे। कृष्णा राज से 1946 में शादी करने के बाद उन्होंने 1947 में बतौर लीड एक्टर नील कमल से फिल्मों में एंट्री की थी। डिम्पल कपाड़िया, 16 साल की डिम्पल ने अपने डेब्यू फिल्म बॉबी की रिलीज से 6 महीने पहले ही 16 साल बड़े राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। इसके बाद भी वो फिल्मों में सफल रही। बॉबी और सागर के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर का बेस्ट अवार्ड भी मिला। अनिल कपूर ने 1979 में आई फिल्म हमारे तुम्हारे में एक बहुत ही छोटा सा रोल किया था। इसके बाद दोनों ने फिल्मों में बहुत लंबा संघर्ष किया, लेकिन उन्हें सबसे पहली और बड़ी कामयाबी हाथ लगी फिल्म मशाल से, जो कि 1984 में आई थी और इसी साल उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता से शादी कर ली थी। शाहरुख ने गौरी खान से 1991 में शादी की थी, जबकि उनकी डेब्यू दीवाना 1992 में रिलीज हुई। उनका करियर पर शादीशुदा होने का कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है आज भी। आमिर खान, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट यादों की बारात में काम कर चुके आमिर ने 1988 में कयामत से कयामत तक से डेब्यू किया था। इससे पहले उन्होंने 1986 में रीना दत्ता से शादी कर ली थी। सैफ अली खान ने 1991 में 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी करके सबको चौंका दिया था। ये शादी सैफ के पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ हुई थी और तब सैफ 21 साल के थे, तो वहीं अमृता 32 साल की। इस शादी के 2 साल बाद 1993 में सैफ ने आशिक आवारा से डेब्यू किया था। हालांकि 2004 में सैफ अमृता ने तलाक ले लिया। दोनों के 2 बच्चे हैं जो अमृता के साथ रहते हैं। वहीं सैफ ने करीना से दूसरी शादी कर ली और इनका एक बेटा है तैमूर। अर्जुन रामपाल, अपने सफल मॉडलिंग करियर के बाद अर्जुन रामपाल ने 2001 में प्यार इश्क और मोहब्बत से बॉलीवुड में कदम रखा था। इससे पहले वो 1998 में मॉडल मेहर जेसिया से शादी कर चुके थे। हालांकि 2018 में उन्होंने मेहर से तलाक ले लिया। दोनों के 2 बेटियां हैं। आयुष्मान खुराना, आयुष्मान भी फिल्मों में एंट्री से पहले ही शादीशुदा थे। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड ताहिरा कश्यप को 2011 में अपना हमसफर बनाया था। 2012 में उनकी पहली फिल्म विकी डोनर रिलीज हुई थी। तो ये हैं बॉलीवुड के वो स्टार्स जिन्होंने डेब्यू से पहले ही कर ली थी शादी और आज भी ये हैं बॉलीवुड में एक्टिव। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही एंटरटेनमेंट की और भी जबरदस्त किस्से और कहानियों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।